सो ही गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका यूनिटी का अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, चाहे आपने सेल्फ क्लिक किया है, चाहे आपने आपके अकाउंट पे किसी ने इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कर दी है और आपका अकाउंट इस तरीके से तख्ती आ गई है आपके अकाउंट पे, मैं इसे जूम आउट कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से आपके अकाउंट पे तख्ती आ चुकी है, तो इस तख्ती को कैसे हटाएं, यानी कि इस अकाउंट को अनलॉक कैसे करें, बिना यूनिटी को मेल भेजे, बिना यूनिटी के आगे हाथ जोड़े, बिना यूनिटी के आगे पैर पकड़े आप अपने अकाउंट को एक चुटकी में अनलॉक कर सकते हैं। मैं ये चुटकी में कर सकता हूं, बट आपको सिखाऊंगा तो ये वीडियो लंबा बनेगा, ओके। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस अकाउंट को आप चुटकी में अनलॉक कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, एक्सप्लोर सर्विस पे क्लिक करता हूँ, हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आपको हर जगह ये लॉक देखने को मिलता है, ये ताला देखने को मिलता है, यानी कि मेरा कंप्लीट अकाउंट लॉक हो चुका है, ठीक है। ये लॉक हो चुका है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन बना के अपने ग्रुप में डाल दिया था और मेरे ग्रुप में हर तरह के लोग हैं, प्यारे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, नखरे वाले भी हैं, जेलस वाले भी हैं, और घमंडी भी हैं, और ना घमंडी भी हैं, हर तरह का बंदा मेरे ग्रुप में आपको मिलेगा, ठीक है, हर तरह की वैरायटी मिलेगी, ओके। तो वहाँ पे मैंने ये जो एक ऐप दे दिया था रियल मनी के नाम से, तो उन लोगों ने उस पर क्लिक करके इसको सस्पेंड कर दिया, बट मुझे इसका घंटा दुख नहीं है, मेरे कितने अकाउंट हैं। अब इसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो, आप गलती से अपनी ऐप ऐसी जगह डाल दें जहाँ की डालनी नहीं चाहिए थी और आपको बाद में अफसोस हो कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो उसको अनलॉक कैसे करें, रिक्वेस्ट नहीं करना आपको किसी से, ना ही मेल करना, ना ही घंटों का इंतजार करना, केवल चुटकी बजाते ही आपका काम हो जाएगा, बस मेरे स्टेप को फॉलो करना है। आज से पहले आपने यूट्यूब पर सर्च किया होगा हाउ टू अनलॉक योर यूनिटी एड्स अकाउंट, ठीक है, हाउ टू अनलॉक यूनिटी एड्स अकाउंट आपने यूट्यूब पर सर्च किया होगा, कोई सोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिला होगा केवल बकवास के अलावा। आज की वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ, आज की तारीख है 21 तारीख है दिसंबर 2022, साल का अंत ही आने वाला है, और आप देख सकते हैं इस साल के अंत में मैं आपको एक बेहतर चीज़ सिखा दूंगा जिसपे आपको अपील करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको अपील नहीं करनी, ठीक। यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अपील पे क्लिक करो, मेल करो, इनको वो करो, पंका डंका, मैं ये सब नहीं बताता, मैं सीधा एकदम सटीक बात बताता हूँ और आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा एक ही झटके में। मुझे अपनी लोकेशन शो करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने अब जो भी करने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल देखने को मिलेगी। मैं आपको इतना डीपली और इतना अच्छे से क्यों बताता हूँ, ठीक है, इतना बच्चों की तरह क्यों समझाता हूँ, क्योंकि बच्चे भी वीडियो देखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते या जल्दी जल्दी उनको समझ में नहीं आता, तो उनको डीपली मैं समझाता हूँ जिससे वो देख देख कर पूरा वैसा कर ले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अगर YouTube पे डल रही है तो सॉल्यूशन वाले वीडियो डाले जो लोगों के काम आए, ना कि खाली बकचोदी हो उसमें, ठीक, वो मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है आपका नेम, ठीक है, आपकी प्रोफाइल DB जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होती है, जूम करके दिखा रहा हूँ। तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से खुल के आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी मेल आईडी है जो कि लॉक हो चुकी है, कम्प्लीटली लॉक हो चुकी है। अब इसको अनलॉक करने का कोई सोल्यूशन तरीका नहीं है, पूरे यूट्यूब पर, पूरे गूगल पर, कहीं भी कोई भी आपको नहीं बताएगा। आप उनसे भी पूछ सकते हो जिनसे आप चीप प्राइस में सेल्फ फंडिंग ऐप लेते हो ना, वो सारे डुप्लीकेट लोग हैं, वो आपको डीपली जानकारी उनको होती नहीं खुद को, वो तुम्हें क्या देंगे, ठीक है, उनसे पूछ लो जाके। तो इस वीडियो को देखकर ही वो लोग सीखेंगे और इसी वीडियो के बाद वो लोग अपनी वीडियो अपनी आवाज़ में डालना स्टार्ट करेंगे। कंटेंट वही होगा जो मैंने बनाया है, बट आवाज़ किसी और की होगी, बस अंतर इतना ही होगा। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी वो उनकी वीडियो देखकर ये सोचेंगे कि उनको ये चीज़ पता है, ठीक है, ये चीज़ होती है यूट्यूब पर ज़्यादातर। तो मैं ऐसी चीज़ें डीपली चीज़ें बताता नहीं, बट अब मैंने देखा कि लोगों के साथ ज़्यादा ये समस्या हो रही है तो इसका सॉल्यूशन देना उनको बहुत ज़रूरी बन गया है। तो अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, इस तरीके से लॉक हो चुका है, और यहाँ पर अपील का आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है करने के लिए, तो आपको ये करना नहीं है, आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना है, माय अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आ जाते हैं माय अकाउंट सेटिंग्स पर, ठीक है। सबसे पहले आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि आपने अपना अकाउंट यूनिटी पे कैसे बनाया था, ठीक है। आपने अकाउंट अपना कैसे बनाया से मतलब क्या है, इससे मतलब है कि आप पहले अपने अकाउंट को साइन आउट कीजिए। जब आप अपने अकाउंट को साइन आउट कर लेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। तो आपको देखना है कि आपने गूगल के आइकन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाया था या क्रिएट वन पे क्लिक करके बनाया था। अगर आपने गूगल के आइकन पर क्लिक करके अकाउंट बनाया था तो आपको आपका पासवर्ड नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि जब आप गूगल के आइकन पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर आपके सामने आपकी ईमेल आईडी आ जाती है, आप उस पर क्लिक कर देते हैं और आपका अकाउंट हो जाता है लोडिंग, ठीक है, यानी कि आपका अकाउंट हो जाता है ओपन। ये हो गया ओपन, ठीक है। तो आपको अपना पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही आपको अपना पासवर्ड पता है। तो सबसे पहले हमें अपना पासवर्ड, ठीक है, पता करना है जिन लोगों ने गूगल से बनाया है और जिन लोगों ने अपना अकाउंट साइन क्रिएट वन पे क्लिक करके बनाया है, इस पे क्लिक करके बनाया है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला होगा, तो उनको अपना पासवर्ड पता है, ठीक है। तो अब जिन लोगों ने गूगल पे साइन इन करके बनाया है तो वो गूगल पर अपना पासवर्ड कैसे ढूंढेंगे कि भाई मेरे अकाउंट का पासवर्ड क्या है, वो कैसे पता लगाएंगे, तो पहले वो मेथड पे हम काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है सिक्योरिटी सेक्शन पर। जब आप सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके सामने आ जाती है आपके अकाउंट की डिटेल्स। मुझे अपनी लोकेशन शो करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा ब्राउजर है और ये फिलहाल अभी के लिए मेरा आईपी आपको दिखा रहा है। मैं कोई भी चीज ब्लर नहीं करता क्योंकि जो भी मेरी ये डिटेल्स आपको यहां पर शो हो रही हैं ये सब कुछ नकली है, ठीक है, ये रैंडम है, हमेशा ये बदलती रहती है, हर 5 मिनट में मेरी लोकेशन चेंज हो जाती है, ओके। तो ये क्यों होता है और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के अकाउंट बनाता हूँ, एडसेंस के अकाउंट अप्रूव कराता हूँ, उनकी वेबसाइट बनाता हूँ। मेरे हजारों क्लाइंट दिन में आते हैं जिनके मैं वेबसाइट एडसेंस अकाउंट अप्रूव कराता हूँ, उनको प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरी जो लोकेशन है, मेरा जो आईपी है वो रैंडम पे रहता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारा पर्सनल सॉफ्टवेयर है, ओके, जिससे हमारी सिटी की चेंज होती रहेगी, हमारा ब्राउज़र का जो है बिल्ड नंबर चेंज होता रहेगा, आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा, ये सब कुछ यहाँ से चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर मुझे ब्लर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई आप दिल्ली से हैं तो भैया दिल्ली से मान लो, ठीक है, मुंबई से हैं तो मुंबई से मान लो। आप लोगों ने देखा होगा कभी यहाँ पे मुंबई लिखा रहता है सिटी पर, कभी यहाँ पर दिल्ली लिखा रहता है, कभी यहाँ पे गुड़गांव लिखा रहता है, तो कभी यहाँ पे मेरठ लिखा रहता है, कभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा रहता है, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैं कुछ भी आपसे नहीं छुपाता, आप सारी चीज़ यहाँ डिटेल्स देख सकते हो, नोएडा नोएडा नोएडा, ठीक है, दिल्ली के पास दिखा रहा है, तो ये सारी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। दिसंबर 21 आज ही की तारीख दिखा रहा है क्योंकि आज ही लॉगिन किया है इस अकाउंट में मैंने, काफ़ी टाइम का अकाउंट है पुराना। तो अभी के लिए मेरी जो आईपी लॉग्स हैं वो ये हैं, ठीक है, नोएडा की लोकेशन पर, बट ये चेंज होता रहता है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आते हैं टॉपिक पर, टॉपिक पे हमें अपना पासवर्ड पता करना है। तो पासवर्ड पता करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने पासवर्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि भैया आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना है, तो हाँ जी हमें अपना पासवर्ड रिसेट करना है क्योंकि हमें अपने गूगल का पासवर्ड नहीं पता। तो इसने हमारे पास एक मेल भेज दिया, अब हमें अपने मेल पर जाना है, तो मैं मेल पर चला गया। तो जब मैं मेल पर गया तो यहाँ पर यूनिटी की तरफ से एक मेल आई मेरे को, रिसेट पासवर्ड पर क्लिक किया। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड बना सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर ए न्यू पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, क्योंकि हमने साइन इन टू गूगल किया था तो हमारे पास पासवर्ड नहीं था, तो इसलिए हम अब अपना पासवर्ड बना लेते हैं जिससे हम अपने पासवर्ड से लॉगिन कर पाए, ना कि गूगल के साइन इन सिस्टम से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और इसको मैं कर देता हूँ रिसेट पासवर्ड, ओके। तो जैसे मैंने ये किया और यहाँ पे ये अपडेट करने के लिए कह रहा है तो मैं इसे कर दूंगा नो थैंक्स, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांग भाई वाली ईमेल आईडी पर मैं दोबारा से लॉगिन हो जाता हूँ और अपना जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया है उसी से हमें यहाँ पर लॉगिन होना है, ठीक है। अब ये गूगल से लॉगिन नहीं होगा, अब ये सीधा जो है हमारे पासवर्ड से लॉगिन होगा, ठीक है। अब ये कोड भेज रहा है, तो ये जो कोड हमारा गया है ये हमारी मेल पर गया है, तो मेल पर जाएंगे वापस से और इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने वेरीफाइड कर लिया। तो अब हमें अपना पासवर्ड पता चल चुका है, ठीक है, हमारा पासवर्ड हमें पता है, जिन लोगों ने गूगल से अकाउंट बनाया था वो इस स्टेप से अपना पासवर्ड पता कर लिए हैं, जिन लोगों ने अपना पासवर्ड से ही अकाउंट क्रिएट किया था उनको अपना पासवर्ड ऑलरेडी पता है। तो अब जिनको अपना पासवर्ड ही पता है वो लोग कैसे करेंगे, अब मैं उनको बताता हूँ। अब क्या करना है, आपको अपने मेल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ये मेल आपको दिख रहा है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ये ओपन होकर इस तरीके से आता है, ये कहता है प्लीज़ एंटर योर यूनिटी आईडी पासवर्ड टू कंटिन्यू। अब हमें पासवर्ड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, तो इसलिए जिन लोगों ने साइन इन टू गूगल किया था उनको तो पासवर्ड पता नहीं था, तो हमने पिछले वाला जो स्टेप फॉलो किया है वो इसलिए किया है जिससे हमारे पास हमारा पासवर्ड हो। तो यहाँ पर अब हम वही पासवर्ड डालेंगे जो हमने वहाँ पर क्रिएट किया था,
और यहाँ पे इस तरीके से वो पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन आ गया है अपनी मेल को चेंज करने का। अब ये जो मेल जो ये मेल है इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं टेम्प मेल से चेंज कर दूंगा। तो मैं गूगल पे जाऊँगा और सर्च करूँगा टेम्प मेल। ओके, मैंने गूगल पे गया और यहाँ पे मुझे टेम्प मेल मिल गया और इस टेम्प मेल को मैं कॉपी कर लूँगा, जो कि टेम्परेली मेल होती है, वो 10 मिनट में चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर ये आपको आपकी एक टेम्प मेल दे देगा, यही टेम्प मेल मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके उस टेम्प मेल को अपनी ईमेल आईडी को हटा दूँगा और इस टेम्प मेल को डाल दूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। ये करने के बाद ये मेरे पास एक OTP भेजेगा, ठीक है, कन्फर्म योर न्यू ईमेल। तो यहाँ पर अगर आप वापस आएंगे टेम्प मेल वाले बॉक्स में तो यहाँ पर आपको एक मेल आ जाएगा यूनिटी की तरफ से, ये देखो आ गया। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कन्फर्म वेरीफाइड ईमेल का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड करने के लिए कहेगा कि आपको ये आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो मैंने कर दिया। तो अब जो मेरा अकाउंट है वो इस टेम्प मेल पे ट्रांसफ़र हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है अब किस पे बन चुका है, इस वाली ईमेल आईडी पर आ चुका है, ठीक है। यानी कि ये जो टेम्प मेल थी इस पर हमारा अकाउंट ट्रांसफ़र हो चुका है। अब जब हमारा अकाउंट इस पर ट्रांसफ़र हो चुका है तो जो मेरी पहली मेल थी, जो मेरी पर्सनल मेल थी, वो मेल का क्या होगा, उस मेल से अब मैं दोबारा से अकाउंट इस पर क्रिएट कर पाऊंगा। अब देखो कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका यूज़र नेम है आपको इनको भी चेंज कर देना है। मैं क्या करता हूँ, इस पर इसको थोड़ा सा क्लिक करूँगा मेल पर, अरे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चलो ये रहा, ये मैं यूज़र नेम दे देता हूँ अपना, इसको कॉपी कर लिया और इसे बैक करता हूँ। तो यूज़र नेम मैं अपना चेंज कर लूँगा और यूज़र नेम में मैं क्या डालूँगा, यहाँ पर ये वाला नेम डाल दूँगा, ठीक है, और इसे सेव कर दूंगा। तो मेरा जो यूज़र नेम है वो भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं कि आराम से मेरा यूज़र नेम भी चेंज हो गया है। अब मेरा जो रियल नेम है मैं उसको भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसी नाम को इस तरीके से और इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ की कंप्लीट डिटेल्स अब हो चुकी हैं चेंज, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल से यहाँ पर क्लिक करूँगा रिक्वेस्ट टू डिलीट माई अकाउंट, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं ये अकाउंट जो है डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर मैं डालूंगा आई हैव ए डुप्लीकेट अकाउंट, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट ये फीडबैक मांगेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं और डिलीट कर देंगे, ठीक है। जब आप डिलीट कर देंगे तो आपकी इस मेल पर ही एक और मेल आएगा, जब आप वापस जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और मेल देखने को मिलेगा, ठीक है, अभी देखना यहाँ पर एक और मेल आएगा, आ जा जल्दी आ जा दोस्त, ये देखो आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और मेल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखा है कि आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो उसका OTP आपको दे दिया गया है। तो ये मेरा OTP है, मैं इस OTP को कॉपी करके यहाँ पे इसने वो OTP मांगा है और वेरीफाई कर देता हूँ। तो अब जो मेरा ये अकाउंट है वो हो चुका है डिलीट, ठीक है। अब आप देखना ये जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है और मेरे पास फिर से यहाँ पर एक मेल आ जाएगी। तो ये लट्टू घूम रहा है अभी थोड़ा सा, यहां पर आप देख सकते हैं अकाउंट डिलीटेशन नोट आ गया है। अब ये देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है, ठीक। अब यहां पर मेरे पास उसकी कंफर्म मेल भी आ जाएगी कि आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है। ओके, अभी आप देखिएगा, ठीक। अब जो मेरी ईमेल आईडी लॉक थी, यानी कि जो मेरी ईमेल आईडी गूगल वाली जो लॉक थी, अब उसको मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, जब आप ये सब कुछ कर चुके हों तो आपको जाना है अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है प्राइवेसी में और क्लियर ब्राउज़र डाटा पे कैचे इमेज एंड फाइल्स को क्लियर डाटा कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पेज रिफ्रेश करना है इस तरीके से और अब आपका जो अकाउंट है उसको आप दोबारा क्रिएट कर सकते हैं और आपका अकाउंट दोबारा से क्रिएट हो जाएगा। मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूं। यहां पर आप क्लिक करेंगे जीमेल गूगल वाले आइकन पे, इसी पर क्रिएट करूंगा मैं अपना अकाउंट, देखते जाइए। और यहां पर ईमेल आईडी आप देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसी से मैं अपने अकाउंट को लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्सेस मांग रहा है, तो मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि ये जो अकाउंट था ये सस्पेंड था,
तो अब आप लोगों के सामने ये आपको डिटेल दिखाएगा, देखते जाओ। ओके, ये आप देख सकते हो वही मेल आ गई, ठीक है। लोकेशन, टाइम जोन मेरा चेंज हो चुका है, लोकेशन आप देख सकते हैं, वही सब कुछ आ चुका है, ठीक है। अभी हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अब हमें ये वाला अकाउंट भी दोबारा से लॉगिन हमने जो किया है इसको रिक्वेस्ट टू डिलीट करना है, इस अकाउंट को भी हमें दोबारा से डिलीट करना है। डिलीट अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे आई हैव ए डुप्लीकेट अकाउंट, या कोई भी सिलेक्ट कर लो। फिर से आप इसे एक और प्रसाद देंगे, जब आप ये प्रसाद इसको दे देंगे तो नेक्स्ट कर देंगे और डिलीट कर देंगे। ओके, इसको डिलीट करने के बाद मेरी पर्सनल मेल पर एक और मेल आया होगा, तो देखो यहाँ पर जाते हैं हम वापस से, ये मेल आ गया। अब इस मेल को मैं कॉपी, जो ओटीपी इसने हमें दिया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको वेरीफाई किया तो ये मेरे अकाउंट की डिटेल्स को डिलीट कर देगा, कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, ठीक। ये अकाउंट मेरा सस्पेंड था, ओके। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा क्रिएट वन पे क्लिक करूँगा और अपनी इसी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाऊँगा। ये जो ईमेल आईडी सस्पेंड हो चुकी थी इसी से अकाउंट बनाऊँगा। आप देखिए ये मैंने डाला और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, अपना यूज़र नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम दे देता हूँ मैं, ओ सॉरी, कॉपी कर लेता हूँ यूज़र नेम को और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़र नेम में अपना जो है मिक्स टेक्निकल 5 कर देता हूँ, ठीक है, चलो 5 कर दिया। और यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर मिक्स टेक्निकल ही लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मिक्स टेक्निकल कैपिटल में कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस ईमेल आईडी पे मेरा अकाउंट सस्पेंड था, ठीक है। बट अब आप देखिएगा क्या चमत्कार होगा, आप इसको अब सारी परमिशन दे दीजिए, आई एम ए नॉट रोबोट पे क्लिक करके क्रिएट ए न्यू यूनिटी आईडी, यानी कि क्रिएट ए यूनिटी आईडी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और ये कन्फर्म ईमेल करने के लिए कहेगा, तो कन्फर्म ईमेल के लिए आपके पास फिर से मेल आएगा। ये देखो कन्फर्म मेल का मेल आया और आपने क्लिक करना है लिंक पर, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं ये कहता है नीड टू वेरीफाई टू कंटिन्यू, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके इसको आप वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आप ये करते हैं तो आप अपनी यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालेंगे, ठीक है, जो आपकी मेल आईडी है जो सस्पेंड हो चुकी थी वही मेल आईडी आप कॉपी करेंगे और वही अब यहाँ पर आप डालेंगे और वही आप नीचे पासवर्ड में डालेंगे। और अपना पासवर्ड डालने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो हो चुका है क्रिएट उसी ईमेल आईडी पर, ठीक है, और वो हो चुका है कम्प्लीटली अनलॉक। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो आप देख सकते हैं अब टाइम जोन मेरा दिखा रहा है एशिया कोलकाता, ठीक है। तो मेरा टाइम चेंज होता रहता है, जगह चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया। अब क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। यही ईमेल आईडी मेरी लॉक थी, आप लोग सुबह जब से ये वीडियो देख रहे हैं वही ईमेल आईडी आपको दिख रही है। अब मैं क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, जाता हूँ प्रोजेक्ट की साइड, तो यहाँ पे गोल गोल लट्टू घूम रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा रहा है समथिंग रॉन्ग्स। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र के सेटिंग्स में जाना है दोबारा से, और जब आप यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी सेटिंग सिक्योरिटी देखने को मिलता है, क्लियर डाटा कैचे क्लीन कर देंगे आप अपना, और उसके बाद वापस आप इस पेज पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने इस पे रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अनलॉक हो जाएंगी। थोड़ा सा आप इसको टाइम दीजिएगा, मैं पहले जितने भी मैंने खोल रखे हैं सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो प्राइवेसी वाला सेक्शन है इस पे जाके मैं ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ, डाउनलोड हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ, कुकीज़ वगैरह रहने देता, कुकीज़ भी कर देता हूँ, और ये पासवर्ड वगैरह छोड़ देता हूँ और क्लियर डाटा कर देता हूँ ऑल टाइम पे। अब इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, या इस पेज को मैं एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं अपना दूसरा अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इस वाले अकाउंट को बंद कर देता हूँ। और जैसे मैंने उसको बंद किया तो दोबारा से अब मैं उस अकाउंट पे जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा यूनिटी आईडी। ये मैंने सर्च किया उसी अकाउंट पे, ठीक है। तो मुझे मेरे अकाउंट पे जाना है, माय अकाउंट पर, तो मैं अपने अकाउंट पे आ गया, ओके। अभी आप देख सकते हैं वही ईमेल आईडी है। अब मैं करता हूँ साइन इन। जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ मेरा अकाउंट ईजिली लॉग इन हो जाएगा और मेरे जो अकाउंट है उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी। अब देखिएगा साइन इन करता हूँ मैं यहाँ पर,
ये देखो सारी चीज़ें वही आ चुकी हैं, पूरा अकाउंट रिसेट हो गया मेरा, ठीक है। उसी ईमेल आईडी पर मेरा कंप्लीट अकाउंट दोबारा से बन चुका है, अनलॉक हो चुका है मेरा पूरा का पूरा अकाउंट, ठीक। आप देखते जाइए, ये देखो ये सब कुछ अब आपका चल पड़ा है, आप देख सकते हैं ये आ गया, सब कुछ आपका अनलॉक हो चुका है गाइज, उसी ईमेल आईडी पर आपका सब कुछ अनलॉक हो चुका है। ये देखो आपकी वही ईमेल आईडी पर आपने अपना वही अकाउंट दोबारा से बना लिया है। अब आप अपने अकाउंट को सस्पेंड करो, फिर से अनलॉक करो, सस्पेंड करो, फिर से अनलॉक करो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। और ये तरीका मैं पहले अपने क्लाइंट्स के लिए, बहुत पहले से पता है मुझे, पर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए रखता था, बट अब आप लोगों को इससे ज़्यादा दिक्कत आती थी, ठीक है। अब आप लोगों को भी दिक्कत आ रही है, तो हर किसी को पर्सनली जाके ये चीज़ करना, मेरे पे इतना टाइम नहीं रहता, तो मैं मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूँ और गेट स्टार्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ गेम्स, और उसके बाद मैं क्लिक कर देता हूँ यस पे या नो पे, रहने तो नो पे, अबे तेरी, नो पे क्लिक कर देता हूँ और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तब आप देखेंगे कि मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा दोबारा से, और इसी ईमेल आईडी पर मेरा ये अकाउंट बन चुका है। अब आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन मेरे खुल चुके हैं, कहीं पर भी वो तख्ती नहीं आपको दिखेगी, और आपका नया का नया अकाउंट उसी ईमेल आईडी पर बन चुका है, ठीक है, ये देख सकते हो। अगर आप इस मेथड के अलावा कोई और मेथड यूज़ करते हो तो वो काम नहीं करेगा, जो चीज़ मैंने की है वही करने के बाद आपका पूरा अकाउंट आप जो है पूरी अच्छी तरीके से लॉक कर सकते हो। इसको अनलॉक करने के बहुत सारे तरीके हैं गाइस, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको सिखाया है, जो कि आप लोग बड़े आराम से सीख चुके होंगे। इसी तरीके से मेरे लिए ये सब कुछ मजाक है, यूनिटी ऐप लोविन एडमोब एडसेंस के अकाउंट में अनलॉक कर देता हूँ, ऐसे ही चुटकियों में अनलॉक कर देता हूँ, बिना गूगल को रिक्वेस्ट भेजे मैं पूरा अपना एडसेंस का अकाउंट वापस उसी ईमेल आईडी पर एक्टिवेट कर देता हूँ। पर ये केवल मैं सर्विस रखता हूँ प्राइम मेंबर्स के लिए, यानी कि जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, जो प्राइम क्लाइंट्स होते हैं, जो महंगे वाले क्लाइंट्स होते हैं, उन्हीं के लिए मैं ये काम करता हूँ। लोग मुझसे ऐसे ही प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं उनके काम आता हूँ इसलिए वो मुझसे प्यार करते हैं। मेरे पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो आज से पहले किसी ने ना आपको बताई हो, ना सिखाई हो, ना लोग जानते हों उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ मैं करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है, आज की वीडियो देख लेना, आज की तारीख जो मैंने आपको बताई है, आज की तारीख है 21/12/2022, आज के बाद अब लोग आपको सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ से चीज़ें कॉपी होंगी और आगे बताई जाएंगी। यही होता है, मेरे पास से ही चीज़ें जाती हैं, मैंने ही सेल्फ अर्निंग करने के तरीके के मेथड लोगों को सिखाए थे, उसी के ही आज आप देख सकते हैं कितने चैनल बन चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है अब आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि इस ईमेल आईडी पर सब कुछ चल रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरी गेम आईडी आ गई, फिनिश नाउ। अब मुझे, मैं अपनी ये गेम आईडी क्यों दिखा देता हूँ ओपनली, मैं ये अपनी आईडी क्यों दिखा देता हूँ किसी को भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना अकाउंट चुटकी में अनलॉक कर लेता हूँ, चुटकी में, ठीक है। बट आप लोगों को मैंने सिखाया इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, बट मेरे लिए तो मजाक ही है, बहुत मजाक है। तो आप देख सकते हैं आपका उसी ईमेल आईडी पर वही ईमेल आईडी, मैं माय अकाउंट पे जाता हूं और आपको दिखा देता हूं, ये देखो वही ईमेल आईडी, वही यूजर नेम और वही नेम जो हमने डाला था वो सब आपको दिख रहा है, ठीक है। और आपका वही अकाउंट यहां पर पूरा का पूरा अनलॉक हो चुका है। आज से पहले ऐसा ज्ञान और ऐसी चीजें आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं सिखाई, जो मेरे पास मैं सिखाता हूं और जो लोगों को चीजें मैं देता हूं उनकी ही बात अलग होती है दोस्त। मैं जो मेरी एप्लीकेशन होती है वो महंगी क्यों होती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशंस महंगी होती हैं, तो महंगी क्यों होती हैं भैया, उनमें बात होती है कुछ, उनमें वो चीज़ लगी होती है जो मैं बोलता हूँ। मैं खाली बोलता ही नहीं हूँ बल्कि वो चीज़ें देता हूँ आपको, ठीक है। पर दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपको कहते हैं चीप प्राइस एप्लीकेशन में ले लो, और चीप प्राइस एप्लीकेशन जैसे ही आप लेते हो वैसे ही आपका हो जाता है बेड़ा पार और आपका सारा विश्वास टूट जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो अपने आप अपने अकाउंट को अनलॉक कर सकते हो चुटकियों में, ठीक है। जाके करो अपना अकाउंट अनलॉक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस, बाय, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए यूनिटी एप्लीकेशन बना दी है सेल्फ अर्निंग वाली, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ग्रुप में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टाटा, बाय बाय।